वेब सीरीज रिलीज होने वाली है। देश के सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम है। भोजपुरी की मेरे ख्याल से तीसरी वेब सीरीज है। पहली वेब सीरीज भर्ती वाला दिलेश भैया का आया था, दूसरा भूपन चा, तीसरा ये लंका का टंका आ रहा है अश्विनी के बीच में। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आज तक जो भोजपुरी में जिस टाइप के कंटेंट आते हैं आते थे उस कंटेंट से अलग है बिल्कुल लंका का टंका। और इसलिए हम लोगों को इस प्रोजेक्ट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसलिए हम लोग को जो मेहनत कर रहे हैं। पहले दिन हम लोगों ने ये प्रमोशन का लोगों से मुलाकात का हम लोग सिलसिला शुरू किए थे रांची से, रांची के बाद पटना गए, पटना के बाद बेहटा, बेहटा के बाद बनारस, बनारस के बाद सासाराम और अभी हम आप सभी के बीच में लखनऊ में। आज भी शाम को 6 बजे चौपाल लाइव पे ये वेब सीरीज आने वाली है जिसका नाम है लंका में टंका। जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है चौपाल, ये हमारे भोजपुरी के लिए एक वरदान है। जिस हिसाब से मनोरंजन का जरिया बदल रहा है, बॉलीवुड से लेकर और सारी इंडस्ट्रीज में जो रीजनल इंडस्ट्रीज है, लेकिन हमारे भोजपुरी में कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं था। हम धन्यवाद देना चाहेंगे बच्चन सर को जिन्होंने भोजपुरी में चौपाल को ले दिया है और इतने अच्छे अच्छे कंटेंट बना रहे हैं। पहले प्रपंच बनाया, फिर अभी लंका में डंका बनाया और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाइन में है। तो हम यही चाहेंगे आप सभी के माध्यम से सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे कि प्लीज आप लोग चौपाल ऐप जितने भी भोजपुरी भाषी हैं, भोजपुरी को सुनने वाले समझने वाले जितने भी लोग, सबसे आग्रह हुआ कि चौपाल ऐप डाउनलोड करेगा और आज शाम के 6 बजे, आज यानी 7 अगस्त के शाम 6 बजे चौपाल ऐप पर लंका में डंका आ रहा होगा। वो सब देखेंगे, आप पूरा विश्वास था कि वो सबको अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो अमीर गरीब का ये भेदभाव नहीं जानती है, वो समझना ही नहीं चाहती है, उसको ये है कि ये भेदभाव है ही क्यों, होना ही नहीं चाहिए। शिक्षक जो आजकल शिक्षा में होता है, जैसे गरीब बच्चों को कम सीट्स मिलती हैं, ये सब नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में भी नहीं होना चाहिए। तो बस इसी पर ये वेब सीरीज बनी है, तो इसमें मेरी मदद रितेश जी करते हैं हमारे डायरेक्टर, बाकी सब आपको वेब सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। बाकी रही बात मेरे भोजपुरी का एक्सपीरियंस, तो बहुत अच्छा रहा, अभी भी मैं काम कर रही हूँ, आगे भी करने वाली हूँ। मैंने काफी अलग अलग इंडस्ट्री में काम किया है, लेकिन भोजपुरी में कुछ अलग बात है कि मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा है भोजपुरी की तरफ, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं आगे भी काम करूंगी डेफिनेटली। अच्छा लग रहा है बिहार, मतलब सब लोग अपनी अच्छा लगता है, सबका नेचर यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे भोजपुरी भाषा बहुत पसंद आती है, बहुत प्यार से बोलते हैं सब और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, खाना तो माशाल्लाह है।